श्री राजीव प्रताप रूड़ी सर, मंत्री जी अद्भुत उत्तर देते हैं और एक प्रत्यक्ष रूप से जो आज मैं इनके उत्तर पोर्टल पर देख रहा था तो अभी तक सिर्फ प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आज इनके पोर्टल पर सभी सप्लीमेंट्रीज जो इनके विभाग ने तैयार करके दिया था वो भी उपलब्ध था, तो इससे हम सब लोगों का ज्ञान बढ़ता है और कठिन सवाल पूछने के लिए हमें रास्ता दिखेगा। तो पोर्टल पे सवाल पूछ लेना फिर। हाँ सर, महोदय पूरे भारतवर्ष में जो चिंता का विषय है, महोदय पूरे भारतवर्ष में 15 लाख इंजीनियरिंग के सीट्स हैं और पिछले कई वर्षों से 7.5 लाख सीट। महोदय फिर से आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि कोटा से आप हैं और कोटा में तो शिक्षा का एक पूरा विश्व में सबसे बड़ा जाना वाला स्थान है जहां से लोग बच्चे पढ़ करके सभी आईटीज में जाते हैं। 15 लाख सीटों में 7.5 लाख सीटें खाली हैं और ये और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरे भारतवर्ष में बना है, और ये प्रत्यक्ष रूप से मंत्री जी के उत्तर में भी है कि 7.5 लाख सीटें खाली हैं, और जो पिछले वर्ष जो 7,90,000 के आसपास जो ग्रेजुएट हुए, 7 लाख खाली है, 7,90,000 आए हैं, उसमें मात्र 3,60,000 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। महोदय मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि एक तो पूरे भारतवर्ष में जो AICTE के कॉलेजेस खाली पड़े हैं, अरबों खरबों रुपया निवेश करके खाली पड़े हैं, उस संरचना का उपयोग करने के लिए क्या अनुमति किसी और रूप से स्किल कोर्सेज के लिए या अनुमति देने का प्रावधान के साथ साथ, और जो पिछले बार AICTE ने 1,60,000 सीटें अपने आप कम की हैं गुणवत्ता के आधार पर, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या जो स्पेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में उपलब्ध हुआ है AICTE के कॉलेजेस बंद होने के कारण, उसके उपयोग के लिए सरकार के विवेक में कोई ऐसा निर्णय है, और इसकी क्वालिटी बढ़ा करके इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, क्या निचले स्तर के स्किल से जोड़ करके 10वीं 12वीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोई ऐसा व्यवस्था है कि जो 8वीं में भी स्किल प्राप्त करे, 10वीं में भी प्राप्त करे, डिप्लोमा भी प्राप्त करे और IAS करने के बाद डिप्लोमा करे और डिप्लोमा के पश्चात इंजीनियरिंग में जाए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था अगर भारतवर्ष में कायम हो सकता है तो शायद इतने बड़ी संख्या में भवनों का और इंफ्रास्ट्रक्चर खाली रहने, क्या स्किल मंत्रालय के साथ मिलकर के IAICTE और स्किल मंत्रालय मिलकर के कोई इंटीग्रेशन का प्रस्ताव लाएगी ताकि ये पूरा का पूरा व्यवस्था जो 7.5 लाख सीटें खाली है जिसकी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उपयोग हो सके। माननीय मंत्री जी से नीतिगत तौर पर इस सवाल का उत्तर जानना चाहता हूँ। श्रीमान, जो माननीय सदस्य ने 8वीं 10वीं 12वीं के साथ इसको नवाचार की शिक्षा नए प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ करके कहा है, हम जो नया मसौदा ला रहे हैं नई शिक्षा नीति का उसमें उसको समाहित कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी हमने ये सुनिश्चित किया है कि कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज किसी एक विषय से एक विषय को लेकर के उसके शिखर तक पहुँचे, और जिनका स्तर अच्छा नहीं है स्वाभाविक ही है कि वो प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पाएंगे, इसलिए वही इंजीनियरिंग कॉलेज अब जिंदा रहेगा जो उद्योगों के साथ मिल करके नए पाठ्यक्रमों को साथ मिल करके नवाचार के साथ नई प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर के उस छात्र को रोजगार की दिशा में खड़ा करने के लिए सक्षम होगा, और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है।